नमस्कार दोस्तों, दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्लास 11 का जो फॉर्म है उसे कैसे भरना है और उसका जो लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगा, कौन सी वेबसाइट से आपको क्लास 11 का फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे फिलअप करके आप नवोदय विद्यालय में क्लास 11 के लिए अपना एडमिशन करा सकते हैं। और दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, यानी कि आपको आपका मार्क्स के आधार पर, आपका मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि दोस्तों आप ये बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि कोई एग्ज़ाम तो इसमें हो नहीं रहा, तो हो सकता है कि शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका मार्क्स 80% से अबव होना चाहिए, तो ये कंडीशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कंडीशन अगर फुलफ़िल होता है तो आप प्लीज़ इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यह फॉर्म बिल्कुल फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस फॉर्म को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही भर सकते हैं, यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है कोई कंप्यूटर का, यानी कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले अपने एंड्रॉयड के स्क्रीन पर। तो मैं आपको अपना भी स्क्रीन जो है वो मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ, तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। और इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है, मतलब ये नहीं कि हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि यहाँ पर नाम भरना है, यहाँ पर फादर्स नेम भरने हैं। दोस्तों ये सब आप सभी शायद जानते होंगे और इन्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है वो है जो इमेज या फ़ोटो वगैरह जो अपलोड किए जाते हैं आपके फॉर्म पर, आपका इमेज या फिर आपका सिग्नेचर का इमेज या फिर आपका पेरेंट्स का इमेज, तो उन इमेज को अपलोड करने में शायद आपको दिक्कत आती होगी। और अगर आपको फ़ोटो या इमेज अपलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि आपको फ़ोटो को अपलोड कैसे किया जाता है कोई भी फॉर्म के लिए, उसमें आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड के स्क्रीन पर। और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने यूसी ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, मैं इसी ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर आपको ऊपर देखिए सर्च बार में आपको सिंपली सर्च कर देना है nvshq.org। मैं यहाँ पर हैच को हटा देता हूँ। देखिए तो आपको सिंपल यह चीज़ आपको सर्च कर देना कि www.nvshq.org। ये सर्च करने के बाद देखिए आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको अभी जो आप पेज को ये देखिए दोस्तों एक एड्स आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर सिंपल कट कर देता हूँ। और कट करने के बाद जब आप इसको नीचे खिसकेंगे अपने वेबसाइट को, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि क्लिक हियर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11th। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये सब आपको डाल देना है, और अंत में आपको अपना एक कैप्चा डाल के इस रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा से बैक आके लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आपको क्लास 11 का फॉर्म मिल जाएगा, और वहाँ से आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसानी से।